हे गाइस, अगर रोज़ रोज़ वो प्लेन मैगी खा के बोर हो गए हैं तो आज हम एक ट्राई करते हैं नई किक वाली रेसिपी मैगी की। तो क्योंकि जब उठी ना आज सुबह तो बाहर हो रही थी काफ़ी तेज़ बारिश और मैंने सोचा क्यों ना मैगी को एक नए ट्विस्ट के साथ बनाया जाए। और आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी चल रही है। तो क्या करना है कि आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना है और उसमें मैगी के जो नूडल्स होते हैं ना उन्हें बॉईल कर लेना है। तो फटाफट यहाँ पे हाथ चलाएंगे हम, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही नई एकदम टेस्टी सी। नूडल्स उबल चुके हैं, उनको छान के हमने साइड रख लिया। अब फटाफट से एक बड़े से बोल में लेंगे प्याज और साथ ही हरी मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और जितने पैकेट मैगी ली है उतने पैकेट टेस्ट मेकर डाल देंगे उसके अंदर। अगर दो पैकेट है तो दो डालिए, तीन है तो तीन डालिए। ये डाल दिया, आप यहाँ पर गार्लिक भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला एक चम्मच सोया सॉस और यहाँ पर एक चम्मच डाला है चिली सॉस ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाए ना, इसके ऊपर डाल दीजिए गर्मा गर्म तेल। अच्छे से एक तड़का पैन में तेल गर्म करिए और इसके अंदर डाल दीजिए फटाफट से। मैंने हल्का सा इसको भी मिक्स कर दिया और तुरंत ही इसके अंदर वो जो उबले हुए नूडल्स थे ना हमारे, वो इसके अंदर डाल देने और बस हो गया काम। क्या करना है, ढेर सारा धनिया और डाल दीजिए और इसको फटाफट ना ऐसे मिक्स कर लीजिए। देख रहे हैं आप क्या बढ़िया धुआं आ रहा है, ऐसा ही धुआं आपके भी आ जाएगा अगर आप इसको मज़े से खाएंगे। फटाफट से मिक्स करना है और आधा नींबू का रस इस पर निचोड़ दीजिए। बहुत ही एक टेम्पटिंग सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, खट्टी खट्टी सी मैगी बहुत ही आपके माइंड को ना रिफ़्रेश कर देगी। तो ये आपकी लेमन कोरिएंडर मैगी गाइस बनके रेडी है। देखें कितनी टेस्टी लग रही है, एक इसके अंदर ना एक क्रंच भी आता है जब आप इसे खाते हैं। अब क्योंकि कोरिएंडर है तो मैंने इसको गार्निश करने से पहले थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दिया और बस बनाइए और तुरंत उसी बोल में ही उसको खा भी जाइए। तो होप आपको ये मैगी की रेसिपी पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।